सुमेरपुर के नेत्रा ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि संकल्प यात्रा की इस आयोजन शिविर में पशुपालन और देव स्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत भी शामिल हुए हैं। उसी दौरान ग्रामीणों ने मंत्री कुमावत के समक्ष में बिजली, पानी, सड़क समेत गांव की अन्य समस्याओं को रखा, जिसके तहत मंत्री कुमावत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या का जल्द ही समाधान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आयोजित शिविर में मंत्री कुमावत ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आम जन को मिले, लगातार राज्य शासन ऐसा प्रयास कर रही है। योजना आदि भारत सरकार थी, तो पिछली सरकार ने आदि योजना को लागू नहीं किया और उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा। अभी मोदी जी राजस्थान आए थे चुनाव में और मोदी जी की गारंटी वाली योजनाओं की जानकारी भी दी थी और कई योजना के बारे में घोषणा भी की। तो उन्होंने गैस के सिलेंडर की बात कही थी तो 450 में गैस का सिलेंडर चालू हो गया। ये 5 किलो गेहूँ फ्री देने की योजना उसको 3 साल पहले चल रहे 3 साल से चल रही थी, 5 साल और बढ़ाने का घोषणा की थी, वो भी लागू हो गई। और बहुत सारी योजना जैसे किसानों की किसान सम्मान निधि जो पहले 2000 दे रहे थे उसको 4000 करने के लिए घोषणा की थी, 12 महीने के 6000 की जगह 12000 देने की घोषणा की थी, वो भी लागू हो गई। और निश्चित रूप से मोदी जी की सारी जो धरने वाली योजना है वो गारंटी वाली योजना मोदी जी की गारंटी हमेशा पूरी होती है, वो कभी फेल नहीं होती। राजस्थान का तो रण भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव